आदिति और मैं रतन प्रिया, आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती या फिर नौकरी करना चाहती या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतन प्रिया, इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? जरूर, यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या 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 करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग बिहार के गया जिले में, जहाँ पे हमारे दो होस्ट हमें बताएंगे वहाँ पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में और वहाँ से हमें इंटर्नशिप के कर रहे लोगों को, युवाओं के बारे में हमें मिलाएंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निष्कर्ष है और मेरा नाम शिप्रा है और आप सभी का इस ग्रीन इंटर्नशिप शो में मैं स्वागत करती हूँ। ग्रीन इंटर्नशिप है क्या? ग्रीन इंटर्नशिप में हम सोशल पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम फार्मिंग, गार्बेज रिसाइकलिंग, इस तरह की चीजों को सीखते हैं। तो ग्रीन इंटर्नशिप है क्या, ये कोई हर रंग का उद्योग नहीं है, इसे इस तरह ना समझे। ग्रीन इंटर्नशिप ये है जिसमें हम अब कुछ सीखते हैं, कुछ लोगों को फायदा देते हैं, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए। तो आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं जो कि बिहार के कई जगह पे ग्रीन इंटर्नशिप कुछ 15 दिनों से कर रहे हैं। तो आइए हम उन लोग से मिलते हैं, उन जानते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो क्या आप कभी इस इंटर्नशिप के बारे में सुनी है या फिर इसके बारे में कभी शोध की है? नहीं, मैंने इस इंटर्नशिप के बारे में तो पहले सुना नहीं था, लेकिन जब से मुझे यहाँ आए हूँ तो मुझे शोध करने का मौका मिला है जिससे मुझे कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हुई हैं। आपको कैसा लग रहा है इंटर्नशिप करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ आई तो और मैं कुछ सीखी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जैसा सोचा था कि इंटर्नशिप इस तरह का, तो वैसा ही चल रहा है या फिर कुछ अलग हो रहा है? नो, मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं था। मैं यहाँ आके यहाँ मैंने सीखा है कि ऑर्गेनिक खेती करना चाहता। आप ये बताइए, बहुत दिनों से इंटर्नशिप कर ही रही हैं, तो वैसे ही आज दिन तो ऐसे पांच कोई कौशल का नाम बताइए जो आप सीखी हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, पहल करना और योजना बनाना और सामूहिक कार्य करना। तो पहल करना, हमें किसी भी नई कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले पहल करना चाहिए, आवाज उठाना, हमें बुराई के खिलाफ जो अधर्म हो रहा है उस पर आवाज उठाना चाहिए। नोट्स लेना, अगर मैं कोई चीज भूल गई इस जैविक खेती के बारे में तो मैं उसे देखकर फिर से आजमा सकती हूँ। तो आप जब घर जाती हैं तो आपके दोस्त क्या प्रतिक्रिया देते हैं? वो पूछते हैं हमसे कि ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जा सकता है और हम वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, मुझे भी यहाँ आना है, ऐसे करके कुछ। आपने जाना और आपने देखा भी कि कैसे ग्रीन इंटर्नशिप में क्या क्या होता है और इंटरप्राइज के बारे में भी जाना। और ग्रीन इंटर्नशिप के दौरान हमने ये भी सीखा कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए भी हम कुछ सीख सकते हैं और किसी चीज का अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे का उसे इस्तेमाल करना बता सकते हैं। तो मुझे यह सब बिल्कुल लगता है कि आपको भी इंटर्नशिप करने का मन करता होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप प्लीज www.goingtoschool.com पे हमें संपर्क करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किशनगंज के तरफ, जहां पर हमारे दो होस्ट हमें वहां पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार,
बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रीन इंटर्नशिप अलग अलग क्षेत्रों से कर रहे हैं। आपका यहाँ पे इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है, इससे मुझे कई नई नई चीजें मतलब सीख रही हूँ और मुझे ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने का मौका मिला है। क्या ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप है? हाँ, ये मेरे अपेक्षा के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि मेरे बचपन से शौक था पेड़ पौधे कैसे लगाए जाते हैं, उसे कैसे उगाते हैं, जो मैंने यहाँ आज सब सीखा है। उन्हें जैविक खाद कैसे डालते हैं, किस मौसम में क्या लगाना चाहिए, मैंने सब कुछ सीखा। हाय, माय नेम इज रोशनी परवीन, मैं प्रोजेक्ट दलसा स्कूल से आई हूँ। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा इंटर्नशिप का तीसरा दिन है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमने आज ये जाना कि रासायनिक खाद से हमारे जीवन एवं पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए हमें रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। बाय। तो आप जो यहाँ पे मतलब नर्सरी में जो इंटर्नशिप करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको इस बारे में क्या बताया गया, मतलब आपको क्या लगता है? मतलब हम जो यहाँ इंटर्नशिप करने वाले हैं, इसके बारे में हमको बताया गया है कि हम मतलब कुछ नया सीखेंगे पेड़ पौधों के बारे में, कि मतलब मिट्टी कैसे, पेड़ पौधे जब हम लोग लगाते हैं तो मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, पेड़ पौधों की कटाई कैसे करेंगे, फिर कलम कैसे लगाएंगे। और मतलब कभी कभी बहुत तेज बारिश होने लगता है, धूप भी मतलब बहुत कड़ा हो जाता है और ठंड भी बहुत पड़ता है, तो उन सबसे पेड़ पौधों का देखभाल कैसे करेंगे, या फिर किस मौसम में कौन सा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है और वो अच्छा से उगेगा उस मौसम में। यह इंटर्नशिप कितने दिनों की है? आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? क्यों? यह इंटर्नशिप 15 दिनों की है और हाँ, हमें लगती है कि यह पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पे जैविक नर्सरी के बारे में जानकारी मिलती है और पेड़ पौधे कैसे लगा, इन सब चीजों को सीखने को मिलती है। कृपया आप अपने अनुभव के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा यहाँ पे अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है और यहाँ के जो उद्यमी हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें नई नई चीज़ों की जानकारी देती है जो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ, तो आप इंटर्नशिप के दौरान 5 कौशल सीखे, उनका नाम बताएं और इसका उपयोग कैसे करेंगे? इंटर्नशिप के दौरान मैंने जो 5 कौशल सीखे, उनमें धैर्य रखना, सामूहिक रूप से कार्य करना, शोध करना, जिज्ञासा रखना और लोगों पर्यावरण के बारे में जानना है। मैं इनका उपयोग मेरे दैनिक जीवन में तथा व्यवसाय शुरू करते समय करूँगी। आज मेरा इंटर्नशिप का चौथा दिन है। हमें यहाँ मिट्टी के बारे में पता चला, मिट्टी को कैसे पहचाना जा सकता है उसके बारे में सिखाया गया। हमें अच्छा लगा, हमें और भी आगे जानना है मिट्टी के बारे में। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? मैं उन युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगी कि वह इस व्यवसाय की पूरी जानकारी रखें और हो सके तो वह इंटर्नशिप करें ताकि उन्हें इसमें फायदा हो। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों मिलना चाहिए? युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव मिलना चाहिए ताकि वो भविष्य में चल के और भी अच्छी तरह से अपना व्यवसाय कर सके। मुझे लगता है नर्सरी का उद्यम बहुत ही अच्छा उद्यम है, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और हम अच्छे से पैसा भी कमा पाएंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और अगर हमको कभी भी मौका मिले तो हम ये उद्यम करना चाहेंगे। हमें लिखे और बताएं आपने क्या सीखा। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो www.goingtoschool.com पर हमसे संपर्क करें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको अपने इंटर्नशिप साहसिक कार्य में भेज रहे हैं और आप 12वीं कक्षा के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर हमारे दो होस्ट हमें वहां पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। नर्सरी इंटर्नशिप पर, जहाँ पर इंटर्नशिप करने कुछ युवाओं से मिल ली। तो बिल्कुल आप क्या हमारी तरह है, तो चलिए जानते हैं कि वो ये इंटर्नशिप क्यों कर रहे हैं।
चल रहा है। आप इस पेशे के बारे में क्या जानती हैं? मैंने बचपन से देखते आया हूँ कि मेरे घर के फैमिली पेड़ पौधा हर कोई दादाजी दीदी लोग सब कोई लगाता है पेड़ पौधा। आपने इसके बारे में कभी कोई शोध किया? हाँ, मैंने इंटरनेट पे सर्च भी किया था, गूगल पे भी सर्च किया था, कुछ प्लांट के बारे में जानकारी भी लिया था, जैसे कि जर्जर प्लांट, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट। उनका ये कहना ये है कि वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं हम ये उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। आज हमारा ये नंदनी बायो फर्टिलाइजर नंदनी नर्सरी के तरफ से बच्चों को भूमि जैव उर्वरक के किस तरह से प्रयोग किया जाएगा और उसका कीटनाशक का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इसी के बारे में आज 24/12/20 को बताया जाएगा। मेरा काम नर्सरी का काम है, जैविक तरीके से नर्सरी चलाना हमारा काम है। जैविक तरीका मतलब यह है कि इसमें जैविक खाद दिया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, खल्ली, पुराना गोबर वगैरह जैविक खाद आता है वो देते हैं। रासायनिक खाद हम लोग अपने काम में नहीं डालते हैं। आपने ये व्यवसाय कैसे शुरू किया? जी, हमने बहुत कठिनाइयों से शुरू किया। पहले तो वही बोले ना, जो ठेला पर ले लेके जाकर जहे पहुँचे खाते लगाते हैं, कुछ भी नहीं था। फिर बंधन लोन से 6,000 रुपया लिए, बगल में थोड़ा थोड़ा माल लाते थे झोला में लेकर लाते थे या फिर लेकर के जाते थे बिक्री करने के लिए। उसमें से जैसे कि 200-400 रुपया जैसे कि लाभ हुआ, फिर उसी तरह बढ़ाते बढ़ाते करके आज यहाँ पे। और इस तरह बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? बच्चों के मूल्यांकन की जहाँ तक बात है तो हम लोग बच्चों को जब बुलाते हैं तो समूह में कैसे काम किया जाता है उसके विषय में हम लोग जानकारी देते हैं। इसके बाद कोई भी काम करने में पॉल्यूशन को कम से कम दूषित किया जाए, उसको कंट्रोल करते हुए काम किया जाए। तो जैसे नर्सरी में पॉलीबैग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है पन्नी में प्लांट को लगा करके डेवलप करने के लिए, तो हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें नर्सरी पॉट मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें प्लांट्स को लगा करके उसको डेवलप करने के लिए बताते हैं उनको। इसके बाद फिर प्लांट्स को कैसे रिपोर्टिंग किया जाता है उसके बारे में बताते हैं और वो सारा चीज़ फिर हम लोग उनसे समझते हैं। प्लांट्स को कैसे जर्मिनेट किया जाता है उसके बारे में करके मूल्यांकन करते हैं हम लोग। सर, तो यहाँ के बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो क्या क्या सीख रहे हैं, कौन कौन से कौशल सीख रहे हैं? ज़्यादातर तो जो बच्चे आए प्रोजेक्ट करने उच्च विद्यालय बोधगया के, उनको नर्सरी के बारे में, नर्सरी का कैसे डेवलप किया जाएगा, उनको शुरू से ही मिट्टी में क्या प्रयुक्त होने वाले क्या क्या उसमें दिया जाए और मिट्टी को किस तरह से ज़्यादा फर्टाइल किया जाए ये बारे इसके बारे में बताया गया। फिर उसको पॉलीथीन में भरने के लिए कैसे भरा जाएगा, बड़े पौधे के लिए कितना बड़ा पॉलीथीन होना चाहिए, छोटे पौधे के लिए कितना बड़ा पॉलीथीन होना चाहिए, फिर उसको किस तरह से बड़े पौधा जब ग्रोथ करता है उसके बाद ग्रेडिंग करने का, ये सारा चीज़ उन लोग को बताया गया है।
कि आपका व्यवसाय पर्यावरण अनुकूल है किस तरह? हाँ, हमारा व्यवसाय, हमारा जो काम है ये पर्यावरण के अनुकूल है। वो किस तरह कि हम जो भी काम करते हैं अपने खेत में या नर्सरी में, वो जैविक तरीका से करते हैं, और जैविक तरीका से करने से पर्यावरण दूषित नहीं होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, सही होता है। और हम लोगों को भी बताते हैं कि आप लोग अपने खेत में या नर्सरी में जैविक खाद का ही इस्तेमाल करें। आपने यही व्यवसाय क्यों शुरू किया? क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है, हम लोग को ऑक्सीजन भी देता है और बीमारी से भी दूर रखता है। इसीलिए हमने इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दवाई का भी काम करता है और ऑक्सीजन भी देता है। क्या आपके इस व्यवसाय में क्या क्या जोखिम आ सकते हैं? बहुत सारे जोखिम आ सकते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा सा भी बरसात ज़्यादा हो गया तो फिर पेड़ पौधा सबको उठा कर रखना पड़ता है खेत के अंदर में। उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा शीत गिरने लगा उसको भी हटाना पड़ता है, और बारिश के मौसम में हम लोग को अगर रात में बारिश हुआ तो फिर उठ करके सबको रखना पड़ता है। गाय बकरी आदमी जन इधर उधर लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कुत्ता एक भूख के झगड़ा नहीं करे, ये सब देखना पड़ता है, नहीं तो सब पेड़ पौधा नष्ट हो जाएगा। क्या छात्र कौशल सीख रहे हैं उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, छात्र जो सीखते हैं उनसे आपको फायदा ये है कि पहला तो है कि वो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट्स के बारे में यदि जानकार है तो प्लांट्स का ही बिजनेस करें। यदि आपको प्लांट्स के विषय में अनुभव हो गया तो आप कहीं भी रहेंगे तो इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो दूषित हो रहा है उससे आप बचा सकते हैं। आप सपोज जब कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑफिस में भी अपना प्लांट्स लगा करके, इंडोर प्लांट लगा करके ऑक्सीजन जोन बना सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप उसका गाइडलाइन करके और प्लांट्स को जो है लोगों को प्रभावित कर सकते हैं प्लांट्स लगाने के लिए, और पर्यावरण जो है उसे आप बचा सकते हैं। सर, आजकल के युवा कुछ चाहते हैं कि हम भी कोई उद्योग शुरू करें या फिर व्यापार शुरू करें, तो आपके तरफ से क्या राय है उनके लिए, क्या सलाह है उनके लिए? हम तो हमारे पास जो भी हमारे फ्रेंडशिप में या हमारे बिजनेस से जुड़े कुछ लोग चाहते हैं कि इसी तरह का हम भी बिजनेस करें, तो उनको पूरा अपना जितना भी आज तक का जो अनुभव रहा है हमें बिजनेस करने का या हमें उसमें डेवलपमेंट करने का, वो सारा अनुभव हम शेयर करते हैं, और उसका रिजल्ट आता है बीच बीच में। दूसरे दूसरे जगह से भी लोग आते हैं, हमें मिलते हैं, वाह वाह करते हैं, या करने का मतलब उनको अच्छा लगा। अगर कोई युवा ये व्यवसाय शुरू करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? हाँ, हम तो कहेंगे कि कोशिश करें कि इस व्यवसाय में लोग आगे आए, क्योंकि ये व्यवसाय हर तरह से अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और बेरोजगार युवा के लिए भी ये अच्छा है। लेकिन इसमें वही है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, सही रखने के लिए जैविक तरीका से हम सबको काम करना होगा। हम सबको मिल करके जैविक खाद का जो तथा खेत में वो पूरी तरीका से देना है, चाहे नर्सरी में हो या खेत में हो या जिस तरह का भी पेड़ पौधा होता है उसमें देने के लिए हम कहते हैं, और युवा को भी कहते हैं, और लोग आते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आप अपना आसपास में भी पेड़ पौधा लगाएं और कोशिश करें कि ये काम करें, क्योंकि बेरोजगारी इससे दूर होती है, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ावा है। पेड़ पौधा लगाने से सबसे नंबर वन बात यह है कि पर्यावरण दुरुस्त होता है और इससे बहुत सारा बीमारी वगैरह ख़त्म होता है, जैसे पेड़ पौधा कट रहा है बेहिसाब, तो कभी खूब बरसात होता है, कभी खूब गर्मी होता है, कभी खूब ठंड होता है, इसीलिए ये सब जब रोजगार जब करेंगे हर कोई मिलजुल करके करेंगे तो हमारा पर्यावरण दुरुस्त होगा और लोगों का बेरोजगारी भी खत्म होगा और हर तरह से हमारा देश उन्नत की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेगा। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो इच्छुक युवा होंगे आप उनको क्या सलाह देंगे? जो इच्छुक हैं उनको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स एक ऐसा चीज है कि बहुत कम जगह उसका डेवलप किया जा रहा है और लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को इजी वे में मिल नहीं पाता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है प्लांट्स के लिए। तो यदि अधिक से अधिक लोग प्लांट्स के पीछे काम करेंगे तो 100% है कि अधिक से अधिक प्लांट्स लगेगा और हर लोगों के घर तक प्लांट्स पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग बच्चा को चाहते हैं कि वो प्लांट्स के बीच में कुछ काम करें। तो आज आप लोगों ने नर्सरी एंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया और साथ ही कार्य अनुभव प्राप्त करे इंटर्न से भी आप लोगों ने मिला, तो अब आपकी बारी, आप हमें बताएं कि आपने हमें कार्य पर देखते हुए कुछ सीखा।
सीखा। और अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमें www.goingtoschool.com पर हमें संपर्क करें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हम आपको 12वीं कक्षा के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करने में और नौकरी करने में मदद करेंगे। तो क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं? तो आप ही के अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें, हमें अपना नाम, नंबर और आप किस तरह की इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं। हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे, आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज ही आप कॉल करें। बाय बाय।